शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है हर तरह की तारीफ अल्लाह ही को सजावार है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया और अंधेरा और रोशनी बनाई फिर भी काफिर और चीजों को अल्लाह के बराबर ठहराते हैं वही तो है जिसने तुमको मिट्टी से पैदा किया फिर मरने का एक वक्त मुक्र कर दिया और एक मुद्दत उसके यहाँ और मुक्र है फिर भी तुम एक आफिर अल्लाह के बारे में शक करते हो और आसमान और जमीन में वही एक अल्लाह है तुम्हारी पोशीदा और जाहिर सब बातें जानता है और तुम जो अमल करते हो सबसे वाकिफ है और अल्लाह की निशानियों में से कोई निशानी उन लोगों के पास नहीं आती मगर ये उससे मुंह फेर लेते हैं जब उनके पास हक आया तो उसको भी झुटला दिया सो उनको उन चीजों का जिनसे ये इसजा करते हैं अन करीब अनजाम मालूम हो जाएगा क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने उनसे पहले कितनी उम्मतों को हलाक कर दिया जिनके पाँव मुल्क में ऐसे जमा दिए थे कि तुम्हारे पाँव भी ऐसे नहीं जमाए और उन पर आसमान से लगातार मेह बरसाया और नहरें बना दी जो उनके मकानों के नीचे बह रही थी फिर उनको उनके गुनाहों के सबब हलाक कर दिया और उनके बाद और उम्मतें पैदा कर दी और अगर हम तुम पर कागजों पर लिखी हुई किताब नाजिल करते और ये उसे अपने हाथों से टटोल भी लेते तो जो काफिर हैं वो यही कह देते कि ये तो साफ और सरीह जादू है और कहते हैं कि इन पैगंबर पर फरिश्ता क्यों नाजिल न ना हुआ जो इनकी तस्दीक करता अगर हम फरिश्ता नाजिल करते तो काम ही फैसल हो जाता फिर उन्हें मुतलक मोहलत न दी जाती नीज अगर हम किसी फरिश्ते को भेजते तो उसे मर्द की सूरत में भेजते और जो शुबा अब करते हैं उसी शुबे में फिर उन्हें डाल देते और तुमसे पहले भी पैगम्बरों के साथ तमस्खर होते रहे हैं सो जो लोग उनमें से तमस्खर किया करते थे उनको तमस्खु की सजा ने आघेरा कहो कि एम उनकी रीन रिसालत मुल्क में चलो फिरो फिर देखो कि झुटलाने वालों का क्या अंजाम हुआ उनसे पूछो कि आसमान और जमीन में जो कुछ है किसका है कह दो अल्लाह का उसने अपनी ज़ात पाक पर रहमत को लाजिम कर लिया है वो तुम सबको कयामत के दिन जिसमें कुछ भी शक नहीं जरूर जमा करेगा जिन लोगों ने अपने तई नुकसान में डाल रखा है वो ईमान नहीं लाते और जो मखलूक रात और दिन में बसती है सब उसी की है और वो सुनता जानता है कहो क्या मैं अल्लाह को छोड़कर किसी और को मददगार बनाऊं कि वही तो आसमान और जमीन का पैदा करने वाला है और वही सबको खाना देता है और खुद किसी से खाना नहीं लेता ये भी कह दो कि मुझे यह हुक्म हुआ है कि मैं सबसे पहले इस्लाम लाने वाला हूं और ये कि तुम ए पैगम्बर मुशरकों में न होना यह भी कह दो कि अगर मैं अपने परवरदिगार की नाफरमानी करूँ तो मुझे बड़े दिन के अजाब का खौफ है जिस शख्स से उस रोज़ अजाब टाल दिया गया उस पर अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी फरमाई और ये खुली कामयाबी है और अगर अल्लाह तुमको कोई सख्ती पहुंचाए तो उसके सिवा उसको कोई दूर करने वाला नहीं और अगर नेमत और राहत अता करे तो कोई उसको रोकने वाला नहीं वो हर चीज़ पर कादिर है और वो अपने बंदों पर गालिब है और वो दाना और ख़बरदार है उनसे पूछो कि सबसे बढ़कर करीन इंसाफ किसकी शहादत है कह दो कि अल्लाह ही मुझ में और तुम में गवाह है और यह कुरान मुझ पर इसलिए उतारा गया है कि इसके जरिए से तुमको और जिस शख्स तक वो पहुंच सके आगाह कर दूं क्या तुम लोग इस बात की शहादत देते हो कि अल्लाह के साथ और भी मबूद हैं मोहम्मद वसल्लम कह दो कि मैं तो ऐसी शहादत नहीं देता कह दो कि सिर्फ वही एक मबूद है और जिनको तुम लोग शरीक बनाते हो मैं उनसे बेजार हूँ जिन लोगों को हमने किताब दी है वो उन हमारे पैगंबर को इस तरह पहचानते हैं जिस तरह अपने बेटों को पहचाना करते हैं जिन्होंने अपने कई नुकसान में डाल रखा है वो ईमान नहीं लाते और उस शख्स से ज्यादा कौन ालिम है जिसने अल्लाह पर झूठ इतरा किया या उसकी आयतों को झुठलाया कुछ शक नहीं कि ालिम लोग निजात नहीं पाएंगे और जिस दिन हम सब लोगों को जमा करेंगे फिर मुशरक़ों से पूछेंगे कि आज वो तुम्हारे शरीक कहाँ हैं जिनका तुम्हें दावा था तो उनसे कुछ उज्र न बन पड़ेगा और बजुज इसके कुछ चारा न होगा कि कहें अल्लाह की कसम जो हमारा परवरदिगार है हम शरीक नहीं बनाते थे देखो उन्होंने अपने ऊपर कैसा झूठ बोला और जो कुछ ये इख्तरा किया करते थे सब उनसे जाता रहा और उनमें बाज ऐसे हैं कि तुम्हारी बातों की तरफ कान रखते हैं और हमने उनके दिलों पर तो पर्दे डाल दिए हैं कि उनको समझ ना सकें और कानों में शक्ल पैदा कर दिया है कि सुन न सकें और अगर ये तमाम निशानियां भी देख लें तब भी तो उन पर ईमान न लाए यहां तक कि जब तुम्हारे पास तुमसे बहस करने को आते हैं 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 तो जो काफिर हैं, कहते हैं, ये कुरान और कुछ भी नहीं सिर्फ पहले लोगों की कहानियां हैं वो इससे औरों को भी रोकते हैं और खुद भी परे रहते हैं मगर इन बातों से अपने आप ही को हलाक करते हैं और इससे बेखबर हैं। काश तुम उनको उस वक्त देखो जब ये दोजक के किनारे खड़े किए जाएंगे और कहेंगे कि आकाश हम फिर दुनिया में लौटा दिए जाएं ताकि अपने परवरदिगार की आयतों की तकजीब न करें और मोमिन हो जाए हां ये जो कुछ पहले छुपाया करते थे आज उन पर जाहिर हो गया है और अगर ये दुनिया में लौटाए भी जाए तो जिन कामों से इनको मना किया गया था वही फिर करने लगे कुछ शक नहीं कि ये झूठे हैं और कहते हैं कि हमारी जो दुनिया की जिंदगी है बस यही जिंदगी है और हम मरने के बाद फिर जिंदा नहीं किए जाएंगे और काश तुम उनको उस वक्त देखो जब ये अपने परवरदिगार के सामने खड़े किए जाएंगे और वो फरमाएगा क्या ये दोबारा जिंदा होना बरहक नहीं तो कहेंगे क्यों नहीं परवरदिगार की कसम बिल्कुल बरहक है अल्लाह फरमाएगा अब कुफ्र के बदले जो दुनिया में करते थे अजाब के मजे चखो जिन लोगों ने अल्लाह के रूबरू खड़े होने को झूठ समझा वो घाटे में आ गए यहां तक कि जब उन पर क्यामत आ आमौजूद होगी तो बोल उठेंगे कि हाय उस तकसर पर अफसोस है जो हमने कयामत के बारे में की और वो अपने आमाल के बोझ अपनी पीठों पर उठाए हुए होंगे देखो जो बोझ ये उठा रहे हैं बहुत बुरा है और दुनिया की जिंदगी तो एक खेल और मशगला है और बहुत अच्छा घर तो आखिरत का घर है यानी उनके लिए जो अल्लाह से डरते हैं क्या तुम समझते नहीं हमको मालूम है कि उन काफिरों की बातें तुम्हें रंज पहुंचाती हैं मगर ये तुम्हारी तकजीब नहीं करते बल्कि जालिम अल्लाह की आयतों से इनकार करते हैं और तुमसे पहले भी पैगंबर झुटलाए जाते रहे तो वह तकजीब ईजा पर सब्र करते रहे यहां तक कि उनके पास हमारी मदद पहुंचती रही और अल्लाह की बातों को कोई भी बदलने वाला नहीं और तुमको पैगंबरों के अहवाल की खबरें पहुंच चुकी हैं तो तुम भी सब्र से काम लो और अगर उनकी रूह गर्दानी तुम पर शाख गुजरती है तो अगर ताकत हो तो जमीन में कोई सुरंग ढूंढ निकालो या आसमान में सीढ़ी तलाश करो फिर उनके पास कोई मुआजा लाओ और अगर, अगर अल्लाह चाहता तो सबको हिदायत पर जमा कर देता बस तुम हर हरगिज नादानों में न होना बात यह है कि हक को कबूल वही करते हैं जो सुनते भी हैं और मुर्दों को तो अल्लाह कयामत ही को उठाएगा फिर उसी की तरफ लौट कर जाएंगे और कहते हैं कि उन पर उनके परवरदिगार के पास से कोई निशानी क्यों नाजिल नहीं हुई कह दो कि अल्लाह निशानी उतारने पर कादिर है लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते और जमीन में जो चलने फिरने वाला हैवान या दो परों से उड़ने वाला जानवर है उनकी भी तुम लोगों की तरह जमा हैं हमने किताब यानी लोहे महफूज में किसी चीज के लिखने में कोताही की नहीं फिर सब अपने परवरदिगार की तरफ जमा किए जाएंगे और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया वो बहरे और गूंगे हैं इसके अलावा अंधेरे में पड़े हुए जिसको अल्लाह चाहे गुमराह कर दे और जिसे चाहे सीधे रस्ते पर चला दे कहो काफिर भला देखो तो अगर तुम पर अल्लाह का अजाब आ जाए या कयामत आ मौजूद हो तो क्या तुम ऐसी हालत में अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारोगे अगर सच्चे हो तो बताओ नहीं बल्कि मुसीबत के वक्त तुम उसी को पुकारते हो तो जिस दुख के लिए उसे पुकारते हो वो अगर चाहता है तो उसको दूर कर देता है और जिनको तुम शरीक बनाते हो उस वक्त उन्हें भूल जाते हो और हमने तुमसे पहले बहुत सी उम्मतों की तरफ पैगंबर भेजे फिर उनकी नाफरमानियों के सबब हम उन्हें सख्तियों और तकलीफों में पकड़ते रहे ताकि आजजी करें तो जब उन पर हमारा अजाब आता रहा क्यों नहीं आजजी करते रहे मगर उनके तो दिल ही सख्त हो गए थे और जो काम वो करते थे शैतान उनको उनकी नज़रों में आरास्ता कर दिखाता था फिर जब उन्होंने उस नसीहत को जो उनको की गई थी फरामोश कर दिया तो हमने उन पर हर चीज़ के दरवाजे खोल दिए यहां तक कि जब उन चीजों से जो उनको दी गई थी खूब खुश हो गए तो हमने उनको नागहा पकड़ लिया और वो उस वक्त मायूस होकर रह गए गरज जालिम लोगों की जड़ काट दी गई और सब तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही को सजावार है उन काफिरों से कहो कि भला देखो तो अगर अल्लाह तुम्हारे कान और आंखें छीन ले और तुम्हारे दिलों पर मोहर लगा दे तो अल्लाह के सिवा कौन सा माबूद है जो तुम्हें ये नेमतें फिर बख्शे देखो हम किस किस तरह अपनी आयतें बयान करते हैं फिर भी ये लोग रू गर्दानी किए जाते हैं कहो कि भला बताओ तो अगर तुम पर अल्लाह का अजाब बेखबरी में या खबर आने के बाद आए तो क्या जालिम लोगों के सिवा कोई और भी हलाक होगा और हम जो पैगम्बरों को भेजते रहे हैं तो खुशखबरी सुनाने और डराने को फिर जो शख्स ईमान लाए और नेकुकार हो जाए तो ऐसे लोगों को न कुछ खौफ होगा और ना वो अंधोनाक होंगे और जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया उनकी नाफरमानियों के सबब उन्हें अजाब होगा कह दो मैं तुमसे ये नहीं कहता अल्लाह के खजाने हैं और ना यह हूं और ना तुमसे फरिश्ता हूं।, तो हूं जो मुझे अल्लाह की तरफ से आता है कह दो कि भला अंधा और आंख वाला बराबर होते हैं तो फिर तुम गौर क्यों नहीं करते और जो लोग खौफ रखते हैं कि अपने परवरदिगार के रूबरू हाजिर किए जाएंगे और जानते हैं कि उसके सिवा ना तो उनका कोई दोस्त होगा और ना सिफारिश करने वाला उनको इस कुरान के जरिए से नसीहत करो ताकि परहेजगार बने और जो लोग सुबह शाम अपने परवरदिगार से दुआ करते हैं और उसकी ज़ात के तालिब हैं उनको अपने पास से मत निकालो उनके हिसाब आमाल की जवाबदही तुम पर कुछ नहीं और तुम्हारे हिसाब की जवाबदही उन पर कुछ नहीं बस ऐसा ना करना अगर उनको निकालोगे तो जालिमों में हो जाओगे और इसी तरह हमने बाज लोगों की बात से आजमाइश की है कि जो दौलतमंद हैं वो गरीबों की नस्बत कहते हैं क्या यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने हम में से फजल किया है अल्लाह ने फरमाया भला अल्लाह शुक्र करने वालों से वाकिफ नहीं और जब तुम्हारे पास ऐसे लोग आया करें जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं तो उनसे सलाम अलैकुम कहा करो अल्लाह ने अपनी जात पाक पर रहमत को लाजिम कर लिया है कि जो कोई तुम में से नादानी से कोई बुरी हरकत कर बैठे फिर उसके बाद तौबा कर ले और नेकुकार हो जाए तो वो बख्शने वाला मेहरबान है और इसी तरह हम अपनी आयतें खोल खोल कर बयान करते हैं ताकि तुम लोग उन पर अमल करो और इस इसलिए कि गुनाहगारों का रास्ता जाहिर हो जाए ऐ पैगंबर कुफार से कह दो कि जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो मुझे उनकी इबादत से मना किया गया है ये भी कह दो कि मैं तुम्हारी ख्वाहिशों की पैरवी नहीं करूंगा ऐसा करूं तो गुमराह हो जाऊं और हिदायत याफ्ता लोगों में न रहूं कह दो कि मैं तो अपने परवरदिगार की दलील रोशन पर हूं और तुम उसकी तकजीब करते हो जिस चीज़ यानी अजाब के लिए तुम जल्दी कर रहे हो वो मेरे पास नहीं है ऐसा हुक्म अल्लाह ही के इख्तियार में है वो सच्ची बात बयान फरमाता है और वो सबसे बेहतर फैसला करने वाला है कह दो कि जिस चीज़ के लिए तुम जल्दी कर रहे हो अगर वो मेरे इख्तियार में होती तो मुझ में और तुम में फैसला हो चुका होता और अल्लाह ालिमों से खूब वाकिफ है और उसी के पास गैब की कुंजियाँ हैं जिनको उसके सिवा कोई नहीं जानता और उसे जंगलों और दरियाओं की सब चीजों का इल्म है और कोई पत्ता नहीं झड़ता मगर वो उसको जानता है और जमीन के अंधेरों में कोई दाना और कोई हरी या सूखी चीज नहीं है मगर किताब रोशन में लिखी हुई है और वही तो है जो रात को सोने की हालत में तुम्हारी रूह कब्ज कर लेता है और जो कुछ तुम दिन में करते हो उससे खबर रखता है फिर तुम्हें दिन को उठा देता है ताकि यही सिलसिला जारी रखकर जिंदगी की मुद्दत मुन पूरी कर दी जाए फिर तुम सबको उसी की तरफ लौट कर जाना है उस रोज वो तुमको तुम्हारे अमल जो तुम करते रहते हो एक एक करके बताएगा और वो अपने बंदों पर गालिब है और तुम पर निगहबान मुकर किए रखता है यहां तक कि जब तुम में से किसी की मौत आती है तो हमारे फरिश्ते उसकी रूह कब्ज कर लेते हैं और किसी तरह की कोताही नहीं करते फिर कयामत के दिन तमाम लोग अपने मालिक बरहक खुदा ताला के पास वापस बुलाए जाएंगे सुन लो के हुक्म उसी का है और वो नहाय जल्द हिसाब लेने वाला है कहो भला तुमको जंगलों और दरियाओं के अंधेरों से कौन मुखलसी देता है जबकि तुम उसे आजजी और न्याज पिनहाई से पुकारते हो और कहते हो अगर, अगर अल्लाह हमको इस तंगी से निजात बख्शे तो हम उसके बहुत शुक्रगुजार हों कहो कि अल्लाह ही तुमको इस तंगी से और हर सख्ती से निजात बख्शता है फिर तुम उसके साथ शिरक करते हो कह दो कि वो इस पर भी कुदरत रखता है कि तुम पर ऊपर की तरफ से या तुम्हारे पांव के नीचे से अजाब भेजे या तुम्हें फिरका फिरका कर दे और एक को दूसरे से लड़ाकर आपस की लड़ाई का मजा चखा दे। देखो हम अपनी आयतों को किस किस तरह बयान करते हैं ताकि ये लोग समझें और इस कुरान को तुम्हारी कौम ने झुटलाया हालांकि वो सरासर हक है कह दो कि मैं तुम्हारा दारोगा नहीं हूं हर खबर के लिए एक वक्त मुकर है और तुमको अनकरीब मालूम हो जाएगा और जब तुम ऐसे लोगों को देखो जो हमारी आयतों के बारे में बेहुदा बकवास कर रहे हैं तो उनसे अलग हो जाओ यहां तक कि और बातों में मसरूफ हो जाए और अगर ये बात शैतान तुम्हें भुला दे तो याद आने पर जालिम लोगों के साथ न बैठो और परहेजगारों पर उन लोगों के हिसाब की कुछ भी जवाबदही नहीं हाँ नसीहत ताकि वो भी परहेजगार हों और जिन लोगों ने अपने दीन को खेल और तमाशा बना रखा है और दुनिया की जिंदगी ने उनको धोखे में डाल रखा है उनसे कुछ काम न रखो हाँ इस कुरान के जरिए से नसीहत करते रहो ताकि क्यामत के दिन कोई अपने आमाल की सज़ा में हलाकत में न डाला जाए उस रोज अल्लाह के सिवा न तो कोई उसका दोस्त होगा और ना सिफारिश करने वाला और अगर वो हर चीज़ जरूरए ज़मीन पर है बतौर मुआवजा देना चाहे तो वो उससे कबूल न हो यही लोग हैं कि अपने आमाल के वबाल में हलाकत में डाले गए उनके लिए पीने को खोलता हुआ पानी और दुख देने वाला अजाब है इसलिए कि कुफर करते थे कहो क्या हम अल्लाह के सिवा ऐसी चीज को पुकारें जो न हमारा भला कर सके न बुरा और जब हमको अल्लाह ने सीधा रास्ता दिखा दिया तो क्या हम उल्टे पांव फिर जाएं? फिर हमारी ऐसी मिसाल हो जैसे किसी को जिन्नात ने जंगल में भुला दिया हो और वो हैरान हो रहा हो और उसके कुछ रफीक हों जो उसको रस्ते की तरफ बुलाएं कि हमारे पास चला कह दो कि रस्ता तो वही है जो अल्लाह ने बताया है और हमें तो यह हुक्म मिला है कि हम अल्लाह आलमीन के फरमा बरदार हों और ये भी कि नमाज पढ़ते रहो और उससे डरते रहो और वही तो है जिसके पास तुम जमा किए जाओगे और वही तो है जिसने आसमानों और जमीन को तदबीर से पैदा किया है और जिस दिन वो फरमाएगा कि हो जा तो हश्र बरपा हो जाएगा उसका इर्शाद बरहक है और जिस दिन सूर फूका जाएगा उस दिन उसी की बात चाहत होगी वही पोशीदा और जाहिर सबका जानने वाला है और वही दाना और खबरदार है और वो वक्त भी याद करने के लायक है जब इब्राहिम ने अपने बाप आजर से कहा तुम क्या बुतों को मबूद बनाते हो मैं देखता हूं कि तुम और तुम्हारी कौम सरी गुमराही में हो और हम इस तरह इब्राहिम को आसमानों और जमीन के अजायबाद दिखाने लगे ताकि वो खूब यकीन करने वालों में हो जाए यानी जब रात ने उनको तारीखी से ढांप लिया तो आसमान में एक सितारा नजर पड़ा कहने लगे ये मेरा परवरदिगार है जब वो गायब हो गया तो कहने लगे कि मुझे गायब हो जाने वाले तो पसंद नहीं फिर जब चांद को देखा कि चमक रहा है तो कहने लगे ये मेरा परवरदिगार है लेकिन जब वो भी छुप गया तो बोल उठे कि अगर मेरा परवरदिगार मुझे सीधा रास्ता नहीं दिखाएगा तो मैं उन लोगों में हो जाऊंगा जो भटक रहे हैं फिर जब सूरज को देखा कि जगमगा रहा है तो कहने लगे मेरा परवरदिगार ये है है ये सबसे बड़ा है। मगर जब वो भी हो गया तो कहने लगे लोगों जिन चीजों को तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो मैं उनसे बेजार हूं मैंने सबसे यकसू होकर अपने तई उस जात की तरफ मुतवजे किया जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया है और मैं मुश्रिकों में से नहीं हूं और उनकी कौम उनसे बहस करने लगी तो उन्होंने कहा कि तुम मुझसे अल्लाह के बारे में क्या बहस करते हो उसने तो मुझे सीधा रास्ता दिखा दिया है और जिन चीजों को तुम उसका शरीक बनाते हो मैं उनसे नहीं डरता हां जो मेरा परवरदिगार कुछ चाहे मेरा परवरदिगार अपने इल्म से हर चीज पर अहाता किए हुए है क्या तुम ख्याल नहीं करते भला मैं उन चीजों से जिनको तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो क्यों कर जबकि तुम इससे नहीं डरते कि अल्लाह के साथ शरीक बनाते हो जिसकी उसने कोई सनद नाजिल नहीं की अब दोनों फरीक में से कौन सा फरीक अमन और जमीयत खातिर का मुस्तक है अगर समझ रखते हो तो बताओ जो लोग ईमान लाए और अपने ईमान को शिरक के जुल्म से मखलूत नहीं किया उनके लिए अमन और जमीयत खातिर है और वही हिदायत पाने वाले हैं और यह हमारी दलील थी जो हमने इब्राहिम को उनकी कौम के मुकाबले में अदा की थी हम जिसके चाहते हैं दर्जे बुलंद कर देते हैं बेशक तुम्हारा परवरदिगार दाना और खबरदार है और हमने उनको इसहाक और याकूब बख्शे और सबको हिदायत दी और पहले नूह को भी हिदायत दी थी और उनकी औलाद में से दाऊद और सुलेमान और अयूब और यूसुफ और मूसा और हारून को भी और हम नेक लोगों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं और जकरिया और याहिया और ईसा और इलियास को भी ये सब नेकुकार थे और इस्माइल और यसा और यूनुस और लूत को भी और इन सब को जहान के लोगों पर फजीलत बख्शी थी और बाज बाज को उनके बाप दादा और औलाद और भाइयों में से भी और उनको बरगुज़ीदा भी किया था और सीधा रास्ता भी दिखाया था यह अल्लाह की हिदायत है इस पर अपने बंदों में से जिसे चाहे चलाए और अगर वो लोग शिरक करते तो जो अमल वो करते थे सब जाया हो जाते ये वो लोग थे जिनको हमने किताब और हुक्म शरीयत और नबूवत अता फरमाई थी अगर ये कुफार इन बातों से इनकार करें तो हमने उन पर ईमान लाने के लिए ऐसे लोग मुकर कर दिए हैं कि वो उनसे कभी इनकार करने वाले नहीं ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने हिदायत दी थी तो तुम उन्हीं की हिदायत की पैरवी करो कह दो कि मैं तुमसे इस कुरान का सिला नहीं मांगता यह तो जहान के लोगों के लिए महज नसीहत है और उन लोगों ने अल्लाह की कदर जैसे जाननी चाहिए थी न जानी जब उन्होंने कहा कि अल्लाह ने इंसान पर वही और किताब वगैरह कुछ भी नाज़िल नहीं किया कहो कि जो किताब मूसा लेकर आए थे उसे किसने नाज़िल किया था जो लोगों के लिए नूर और हिदायत थी और जिसे तुमने अलैदा अलैदा औराक पर नक़ल कर रखा है उनके कुछ हिस्से को तो जाहिर करते हो और अक्सर को छुपाते हो और तुमको वो बातें सिखाई गईं जिनको न तुम जानते थे और न तुम्हारे बाप दादा कह दो उस किताब को अल्लाह ही ने नाजिल किया था फिर उनको छोड़ दो कि अपनी बेहुदा बकवास में खेलते रहें और वैसी ही ये किताब है जिसे हमने नाजिल किया है बाबरकत जो अपने से पहली किताबों की तस्दीक करती है और जो इसलिए नाजिल की गई है कि तुम मक्के और उसके आस पास के लोगों को आगाह कर दो और जो लोग आखिरत पर ईमान रखते हैं वो इस किताब पर भी ईमान रखते हैं और वो अपनी नमाजों की पूरी खबर रखते हैं और उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ इफ्तरा करे या ये कहे कि मुझ पर वही आई है हालांकि उस पर कुछ भी वही ना आई हो और जो ये कहे कि जिस तरह की किताब अल्लाह ने नाजिल की है उस तरह की मैं भी बना लेता हूँ और काश तुम उन जालिम यानी मुश्तिक लोगों को उस वक्त देखो जब मौत की सख्ती में मुबतला हो और फरिश्ते उनकी तरफ अजाब के लिए हाथ बढ़ा रहे हों कि निकालो अपनी जाने आज तुमको ज़िल्त के अजाब की सजा दी जाएगी इसलिए कि तुम अल्लाह पर झूठ बोला करते थे और उसकी आयतों से सरकशी करते थे और जैसा हमने तुमको पहली दफा पैदा किया था ऐसा ही आज अकेले अकेले हमारे पास आए और जो मालूमता हमने तुम्हें अता फरमाया था वो सब अपनी पीठ पीछे छोड़ आए और हम तुम्हारे साथ तुम्हारी सिफारशियों को भी नहीं देखते जिनकी नस्बत तुम ख्याल करते थे कि वो तुम्हारे शफी और हमारे शरीक हैं आज तुम्हारे आपस के सब ताल्लुकात मुनता हो गए और जो दावे तुम किया करते थे सब जाते रहे बेशक अल्लाह ही दाने और गुठली को फाड़ कर उनसे दरख्त वगैरह उगाता है वही जानदार को बेजान से निकालता है और वही बेजान का जानदार से निकालने वाला है यही तो अल्लाह है फिर तुम कहां बह के फिरते हो वही रात के अंधेरे से सुबह की रोशनी फाड़ निकालता है और उसी ने रात को मुझे बे आराम ठहराया और सूरज और चांद को जरिया शुमार बनाया है ये अल्लाह के मुकर किए हुए अंदाजे हैं जो गालिब और इल्म वाला है और वही तो है जिसने तुम्हारे लिए सितारे बनाए ताकि जंगलों और दरियाओं के अंधेरों में उनसे रस्ते मालूम करो अकल वालों के लिए हमने अपनी आयतें खोल खोल कर बयान कर दी हैं और वही तो है जिसने तुमको एक शख्स से पैदा किया फिर तुम्हारे लिए एक ठहरने की जगह है और एक सुपुरद होने की समझने वालों के लिए हमने अपनी आयतें खोल खोल कर बयान कर दी हैं और वही तो है जो आसमान से मेह बरसाता है फिर हम ही जो मेह बरसाते हैं उससे हर तरह की रोईदगी उगाते हैं फिर उसमें से सब्ज सब्ज कॉम्पले निकालते हैं और उन कॉम्पलों में से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए दाने निकालते हैं और खजूर के गाभे में से लटकते हुए गुच्छे और अंगूरों के बाग और जैतून और अनार जो एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं और नहीं भी मिलते ये चीजें जब फलती हैं तो इनके फलों पर

जबकि उसकी बीवी ही नहीं और उसने हर चीज को पैदा किया है और वो हर चीज से बाखबर है यही औसाफ रखने वाला अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है उसके सिवा कोई मबूद नहीं वही हर चीज का पैदा करने वाला है तो उसी की इबादत करो और वो हर चीज का निगरान है वो ऐसा है कि निगाहें उसका इदराक नहीं कर सकती और वो निगाहों का इदराक कर सकता है और वो भेद जानने वाला खबरदार है ए मोहम्मद सल्लम उनसे कह दो कि तुम्हारे पास परवरदिगार की तरफ से रोशन दलीलें पहुंच चुकी हैं तो जिसने उनको आंख खोलकर देखा उसने अपना भला किया और जो अंधा बना रहा उसने अपने हक में बुरा किया और मैं तुम्हारा निगेबान नहीं हूं और हम इसी तरह अपनी आयतें फेर फेर कर बयान करते हैं ताकि काफिर यह न कहें कि तुम ये बातें अहले किताब से सीखे हुए हो और ताकि समझने वाले लोगों के लिए तशरीह कर दें और जो हुक्म तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास आता है उसकी पैरवी करो उस परवरदिगार के सिवा कोई माबूद नहीं और से किनारा कर लो और अगर अल्लाह चाहता तो ये लोग शिरक न करते और ए पैगम्बर हमने तुमको उन पर निगहबान मुकर्र नहीं किया और न तुम उनके दारोगा हो और जिन लोगों को ये मुशर अल्लाह के सिवा पुकारते हैं उनको बुरा न कहना कि ये भी कहीं अल्लाह को बेअदबी से बेसमझे बुरा न कह बैठे इस तरह हमने हर एक फिर के आमाल उनकी नजरों में अच्छे कर दिखाए हैं फिर उनको अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाना है तब वो उनको बताएगा कि वो क्या क्या किया करते थे और ये लोग अल्लाह की सख्त सख्त कस्में खाते हैं कि अगर उनके पास कोई निशानी आए तो वो उस पर जरूर ईमान ले आए कह दो कि निशानियां तो सब अल्लाह ही के पास हैं और मोमिनो तुम्हें क्या मालूम है ये तो ऐसे बदबخت हैं कि उनके पास निशानियां आ भी जाएं तब भी ईमान न लाएं और हम उनके दिलों और आंखों को उलट देंगे तो जैसे ये इस कुरान पर पहली दफा ईमान नहीं लाए वैसे फिर ना लाएंगे और उनको छोड़ देंगे कि अपनी सरकशी में बहकते रहें और अगर हम उन पर फरिश्ते भी उतार देते और मुर्दे भी उनसे गुफ्तगु करने लगते और हम सब चीजों को उनके सामने ला मौजूद भी कर देते तो भी ये ईमान लाने वाले ना थे इल्ला माशा बात यह है कि ये अक्सर नादान है और इसी तरह हमने शैतान सीरत इंसानों और जिन्नों को हर पैगंबर का दुश्मन बना दिया था वो धोखा देने के लिए एक दूसरे के दिल में मलम्मा की बातें डालते रहते थे और अगर तुम्हारा परवरदिगार चाहता तो वो ऐसा ना करते तो उनको और जो कुछ ये इफ्तरा करते हैं उसे छोड़ दो और वो ऐसे काम इसलिए भी करते थे कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल उनकी बातों पर मायल हों और वो उन्हें पसंद करें और जो काम वो करते थे वही करने लगे कहो क्या मैं अल्लाह के सिवा और मुनसिब तलाश करूं हालांकि उसने तुम्हारी तरफ मुतालिब किताब भेजी है और जिन लोगों को हमने किताब तौरात दी है वो जानते हैं कि वो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बरहक नाजिल हुई है तो तुम हरगिज़ शक करने वालों में न होना और तुम्हारे परवरदिगार की बातें सच्चाई और इंसाफ में पूरी हैं उसकी बातों को कोई बदलने वाला नहीं और वो सुनता जानता है और अक्सर लोग जो जमीन पर आबाद हैं गुमराह हैं अगर तुम उनका कहा मान लोगे तो वो तुम्हें अल्लाह का रास्ता भुला देंगे ये महज ख्याल के पीछे चलते और निर अटकल के तीर चलाते हैं तुम्हारा परवरदिगार उन लोगों को खूब जानता है जो उसके रस्ते से भटके हुए हैं और उनसे भी खूब वाकिफ है जो रास्ते पर चल रहे हैं तो जिस चीज़ पर जबाह के वक्त अल्लाह का नाम लिया जाए अगर तुम उसकी आयतों पर ईमान रखते हो तो उसे खा लिया करो और सबब क्या है कि जिस चीज़ पर अल्लाह का नाम लिया जाए तुम उसे न खाओ हालांकि जो चीजें उसने तुम्हारे लिए हराम ठहरा दी हैं वो एक एक करके बयान कर दी हैं बेशक उनको नहीं खाना चाहिए मगर उस सूरत में कि उनके खाने के लिए नाचार हो जाओ और बहुत से लोग बेसमझे बूझे अपने नफ्स की ख्वाहिशों से लोगों को बहका रहे हैं कुछ शक नहीं कि ऐसे लोगों को जो अल्लाह की मुकद्र की हुई हद से बाहर निकल जाते हैं तुम्हारा परवरदिगार खूब जानता है और जाहिरी और पोशीदा हर तरह का गुना तर्क कर दो जो लोग गुना करते हैं वह उनब अपने किए की सजा पाएंगे और जिस चीज पर अल्लाह का नाम न ना लिया जाए उसे मत खाओ कि उसका खाना गुनाह है और शैतान लोग अपने रफीकों के दिलों में ये बात डालते हैं कि तुम से झगड़ा करें और अगर तुम लोग उनके कहे पर चले तो बेशक तुम भी मुशरक हुए भला जो पहले मुर्दा था फिर हमने उसको जिंदा किया और उसके लिए रोशनी कर दी जिसके जरिए से वो लोगों में चलता फिरता है कहीं उस शख्स जैसा हो सकता है जो अंधेरे में पड़ा हुआ हो और उससे निकल ही ना सके इस तरह काफिर जो अमल कर रहे हैं वो उन्हें अच्छे मालूम होते हैं और इसी तरह हमने हर बस्ती में बड़े बड़े मुजरिम पैदा किए कि उनमें मक्कारियां करते रहें और जो मक्कारियां ये करते हैं उनका नुकसान इन्हीं को है और इससे बेखबर हैं और जब उनके पास कोई आयत आती है तो कहते हैं कि जिस तरह की रिसालत अल्लाह के पैगंबरों को मिली है जब तक उसी तरह की रिसालत हमको न मिले हम हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे इसको अल्लाह ही खूब जानता है कि रिसालत का कौन सा महल है और वो अपनी पैगंबरी किसे इनायत फरमाए जो लोग जुर्म करते हैं उनको अल्लाह के यहाँ ज़िल्लत और अजाब शदीद होगा इसलिए कि मक्कारियाँ करते थे तो जिस शख्स को अल्लाह चाहता है कि हिदायत बख्शे उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है और जिसे चाहता है कि गुमराह करे उसका सीना तंग और घुटा हुआ कर देता है गोया वो आसमान पर चढ़ रहा है इस तरह अल्लाह उन लोगों पर जो ईमान नहीं लाते अजाब भेजता है और यही तुम्हारे परवरदिगार का सीधा रास्ता है जो लोग गौर करने वाले हैं उनके लिए हमने अपनी आयतें खोल खोल कर बयान कर दी हैं उनके लिए उनके अमाल के सिले में परवरदिगार के यहाँ सलामती का घर है और वही उनका दोस्त दार है और जिस दिन वो सब इंस को जमा करेगा और फरमाएगा कि ए गिरोह जिन्नात तुमने इंसानों से बहुत फायदे हासिल किए तो जो इंसानों में उनके दोस्त दार होंगे वो कहेंगे कि परवरदिगार हम एक दूसरे से फायदा हासिल करते रहे और आखिर उस वक्त को पहुंच गए जो तू हमारे लिए मुकर किया था अल्लाह फरमाएगा अब तुम्हारा ठिकाना दोजक है हमेशा उसमें जलते रहोगे मगर जो अल्लाह चाहे बेशक तुम्हारा परवरदिगार दाना और खबरदार है और इसी तरह हम जालिमों को उनके आमाल के सबब जो वो करते थे एक दूसरे पर मुसलत कर देते हैं जिन्नों और इंसानों की जमात क्या तुम्हारे पास तुम्हें पैगंबर नहीं आते रहे जो मेरी आयतें तुमको पढ़ पढ़ कर सुनाते और इस दिन के सामने आ मौजूद होने से डराते थे वो कहेंगे कि परवरदिगार हमें अपने गुनाहों का इकरार है उन लोगों को दुनिया की जिंदगी ने धोखे में डाल रखा था और अब खुद अपने ऊपर गवाही दी कि कुफर करते थे अहम्म ये जो पैगंबर आते रहे और किताबें नाजिल होती रहीं तो इसलिए कि तुम्हारा परवरदिगार ऐसा नहीं कि बस्तियों को जुल्म से हलाक कर दे और वहां के रहने वालों को कुछ भी खबर न हो और सब लोगों के बलिहाज आमाल दर्जे मुक्र हैं और जो काम ये लोग करते हैं अल्लाह उनसे बेखबर नहीं और तुम्हारा परवरदिगार बेपरवा और साहिब रहमत है अगर चाहे तो ए बंदो तुम्हें नाबूद कर दे और तुम्हारे बाद जिन लोगों को चाहे तुम्हारा जानशीन बना दे जैसा तुमको भी दूसरे लोगों की नस्ल से पैदा किया है कुछ शक नहीं कि जो वादा तुमसे किया जाता है वो बुकू में आने वाला है और तुम अल्लाह को मकलूब नहीं कर सकते कह दो कि लोगो तुम अपनी जगह अमल किए जाओ मैं अपनी जगह अमल किए जाता हूँ अन करीब तुमको मालूम हो जाएगा कि आखिरत में बहिश्त किसका घर होगा कुछ शक नहीं कि मुशरिक निजात नहीं पाने के और ये लोग अल्लाह ही की पैदा की हुई चीजों यानी खेती और चौपायों में अल्लाह का भी एक हिस्सा मुक्र करते हैं और अपने ख्याल बातिल से कहते हैं कि ये हिस्सा तो अल्लाह का है और ये हमारे शरीकों यानी बुतों का तो जो हिस्सा उनके शरीकों का होता है वो तो अल्लाह की तरफ नहीं जा सकता और जो हिस्सा अल्लाह का होता है वो उनके शरीकों की तरफ जा सकता है ये कैसा बुरा इंसाफ है इसी तरह बहुत से मुशरिकों को उनके शरीकों ने उनके बच्चों को जान से मार डालना अच्छा कर दिखाया है ताकि उन्हें हलाकत में डाल दें और उनके दीन को उन पर गलत मलत कर दें और अगर अल्लाह चाहता तो वो ऐसा न करते तो उनको छोड़ दो कि वो जाने और उनका झूठ और अपने ख्याल से ये भी कहते हैं कि ये चार पाए और खेती मना है उसे उस शख्स के सिवा जिसे हम चाहें कोई न खाए और बाज़ चार पाए ऐसे हैं कि उनकी पीठ पर चढ़ना मना कर दिया गया है और बाज़ मवेशी ऐसे हैं जिन पर जिबाह करते वक्त अल्लाह का नाम नहीं लेते सब अल्लाह पर झूठ है वो अनकरीब उनको उनके झूठ का बदला देगा और ये भी कहते हैं कि जो बच्चा इन चार पायों के पेट में है वो खास हमारे मर्दों के लिए है और हमारी औरतों को उसका खाना हराम है और अगर वो बच्चा मरा हुआ हो तो सब उसमें शरीक हैं, यानी उसे मर्द और औरतें सब खाएं अनकरीब अल्लाह उनको उनके ढकोसलों की सजा देगा बेशक विकमत वाला खबरदार है जिन लोगों ने अपनी औलाद को बेवकूफ़ी से बेसमझी से कत्ल किया और अल्लाह पर इफ्तरा करके उसकी अता फरमाई हुई रोजी को हराम ठहराया वो घाटे में पड़ गए वो बेशा गुमराह हैं और हिदायत याफ्ता नहीं है और अल्लाह ही तो है जिसने बाग पैदा किए छतरियों पर चढ़ाए हुए भी और जो छतरियों पर नहीं चढ़ाए हुए वो भी और खजूर और खेती जिनके तरह तरह के फल होते हैं और जैतून और अनार जो बाज बातों में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और बाज बातों में नहीं मिलते जब ये चीजें फलें तो इनके फल खाओ और जिस दिन फल तोड़ो और खेती काटो अल्लाह का हक भी उसमें से अदा कर दो और बेजा न उड़ाना कि अल्लाह बेजा उड़ाने वालों को दोस्त नहीं रखता और चार पायों में बोझ उठाने वाले यानी बड़े बड़े भी पैदा किए और जमीन से लगे हुए यानी छोटे छोटे भी बस अल्लाह का दिया हुआ रिस्क खाओ और शैतान के कदमों पर न चलो वो तुम्हारा सरीह दुश्मन है ये बड़े छोटे चार पाए आठ किस्म के हैं दो दो भेड़ों में से और दो दो बकरियों में से यानी एक एक नर और एक एक मादा ऐ पैगंबर, उनसे पूछो कि अल्लाह ने दोनों के नरों को हराम किया है या दोनों की मादीनों को या जो बच्चा मादीनों के पेट में लिपट रहा हो उसे अगर सच्चे हो तो मुझे सनद से बताओ और दो दो ऊंटों में से और दो दो गायों में से उनके बारे में भी उनसे पूछो कि अल्लाह ने दोनों के नरों को हराम किया है या दोनों की मादिनों को या जो बच्चा मादिनों के पेट में लिपट रहा हो उसको भला जिस वक्त अल्लाह ने तुमको इसका हुक्म दिया था तुम उस वक्त मौजूद थे तो उस शख्स से ज्यादा कौन ज़ालिम है जो अल्लाह पर झूठ इफ्तरा करे ताकि अजरा बेदानिशी लोगों को गुमराह करे कुछ शक नहीं कि अल्लाह ालिम लोगों को हिदायत नहीं देता कहो कि जो आहकाम मुझ पर नाजिल हुए हैं मैं उनमें कोई चीज़ जिसे खाने वाला खाए हराम नहीं पाता बजुज इसके कि वो मरा हुआ जानवर हो या बहता लहू या सूर का गोश्त कि ये सब नापाक हैं या कोई गुनाह की चीज़ हो कि उस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम दिया गया हो और अगर कोई मजबूर हो जाए लेकिन न ना तो नाफरमानी करे और ना हद से बाहर निकल जाए तो तुम्हारा परवरदिगार बख्शने वाला मेहरबान है और यहूदियों पर हमने सब नाखून वाले जानवर हराम कर दिए थे और गायों और बकरियों से उनकी चर्बी हराम कर दी थी सिवा इसके जो उनकी पीठ पर लगी हो या ओझड़ी में हो या हड्डी में मिली हो ये सजा हमने उनको उनकी शरारत के सबब दी थी और हम तो सच कहने वाले हैं और अगर ये लोग तुम्हारी तकजीब करें तो कह दो तुम्हारा परवरदिगार साहिब रहमत वसी है मगर उसका अजाब गुनाहगार लोगों से नहीं टलेगा जो लोग शिरक करते हैं वो कहेंगे कि अगर अल्लाह चाहता तो हम शिरक न करते और न हमारे बाप दादा शिरक करते और न हम किसी चीज को हराम ठहराते इसी तरह उन लोगों ने तकजीब की थी जो उनसे पहले थे यहाँ तक कि हमारे अजाब का मजा चक कर रहे कह दो क्या तुम्हारे पास कोई सनद है अगर है तो उसे हमारे सामने निकालो तुम महज ख्याल के पीछे चलते और अटकल के तीर चलाते हो कह दो कि अल्लाह ही की हज्जत गालिब है अगर वो चाहता तो तुम सबको हिदायत दे देता कहो कि अपने गवाहों को लाओ जो बताएं कि अल्लाह ने ये चीज़ें हराम की हैं फिर अगर वो आकर गवाही दें तो तुम उनके साथ गवाही न देना और न उनकी ख्वाहिशों की पैरवी करना जो हमारी आयतों को झुटलाते हैं और जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते और बुतों को अपने परवरदिगार के बराबर ठहराते हैं कहो कि लोगो आओ मैं तुम्हें वो चीजें पढ़कर सुनाऊं जो तुम्हारे परवरदिगार ने तुम पर हराम कर दी हैं उनकी नस्बत उसने इस तरह इर्शाद फरमाया है कि किसी चीज़ को अल्लाह का शरीक न बनाना और माँ मा बाप से बदसलूकी न करना बल्कि सलूक करते रहना और नादारी के अंदेशे से अपनी औलाद को तो कत्ल न करना क्योंकि तुमको और उनको हम ही रिस्क देते हैं और बेहयाई के काम जाहिर हों या पोशीदा उनके पास न फटकना और किसी जान वाले को जिसके कत्ल को अल्लाह ने हराम कर दिया है कत्ल न करना मगर जायज़ तौर पर यानी जिसका शरीयत हुक्म दे इन बातों की वो तुम्हें ताकीद करता है ताकि तुम समझो और यतीम के माल के पास भी न जाना मगर ऐसे तरीक से कि बहुत ही पसंदीदा हो यहां तक कि वो जवानी को पहुंच जाए और नाप और तोल इंसाफ के साथ पूरी पूरी किया करो हम किसी को तकलीफ नहीं देते मगर उसकी ताकत के मुताबिक और जब किसी की निस्बत कोई बात कहो तो इंसाफ से कहो गो वो तुम्हारा रिश्तेदार ही हो और अल्लाह के अहद को पूरा करो इन बातों का अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है ताकि तुम नसीहत कबूल करो और यह सीधा रास्ता यही है तो तुम उसी पर चलना और और पर न चलना कि उन पर चलकर अल्लाह के रस्ते से अलग हो जाओगे इन बातों का अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है ताकि तुम परहेजगार बनो हां फिर सुन लो कि हमने मूसा को किताब इनायत की थी ताकि उन लोगों पर जो नेकुकार हैं नेमत पूरी कर दें और उसमें हर चीज का बयान है और हिदायत है और रहमत है ताकि उनकी उम्मत के लोग अपने परवरदिगार के रूबरू हाजिर होने का यकीन करें ऐ कुफर करने वालों ये किताब भी हमने उतारी है बरकत वाली तो इसकी पैरवी करो और अल्लाह से डरो ताकि तुम पर मेहरबानी की जाए और इसलिए उतारी है कि तुम यू ना कहो कि हमसे पहले दो ही गिरोहों पर किताबें उतरी हैं और हम उनके पढ़ने से माजूर और बेखबर थे या ये ना कहो कि अगर हम पर भी किताब नाजिल होती तो हम उन लोगों की नस्बत कहीं सीधे रस्ते पर होते, सो तुम्हारे पास तुम्हारे की तरफ से दलील और हिदायत और रहमत आ गई है, तो उससे बढ़कर जालिम कौन होगा, जो अल्लाह की आयतों की तकजीब करे और उनसे लोगों को फेरे जो लोग हमारी आयतों से फेरते हैं इस फेरने के सब हम उनको बुरे अजाब की सजा देंगे ये इसके सिवा और किस बात के मुंतजिर हैं कि उनके पास फरिश्ते आए या ख़ुद तुम्हारा परवरदिगार आए या तुम्हारे परवरदिगार की कुछ निशानियां आए मगर जिस रोज़ तुम्हारे परवरदिगार की निशानियां आ जाएंगी तो जो शख्स पहले ईमान नहीं लाया होगा उस वक्त उसे ईमान लाना कुछ फ़ायदा नहीं देगा या अपने ईमान की हालत में नेक अमल नहीं किए होंगे तो गुनाहों से तोबा करना मुफीद न होगा ए पैगम्बर उनसे कह दो कि तुम भी इंतजार करो हम भी इंतजार करते हैं जिन लोगों ने अपने दीन में बहुत से रस्ते निकाले और कई कई फिरके हो गए उनसे तुमको कुछ काम नहीं उनका काम अल्लाह के हवाले फिर जो जो कुछ वो करते रहे हैं वो उनको सब बताएगा जो कोई अल्लाह के हुजूर नेकी लेकर आएगा उसको वैसी दस नेकियां मिलेंगी और जो बुराई लाएगा उसे सजा वैसी ही मिलेगी और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा कह दो कि मुझे मेरे परवरदिगार ने सीधा रास्ता दिखा, दिखा दिया है यानी दीन सही मजहब इब्राहिम का जो एक ही की तरफ के थे और मुशरिकों में से न थे ये भी कह दो कि मेरी नमाज और मेरी इबादत और मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह आलमीन ही के लिए है जिसका कोई शरीक नहीं और मुझको इसी बात का हुक्म मिला है और मैं सबसे अव्वल फरमा बरदार हूँ कहो क्या मैं अल्लाह के सिवा और परवरदिगार तलाश करूँ और वही तो हर चीज का मालिक है और जो कोई बुरा काम करता है तो उसका जरर उसी को होता है और कोई शख्स किसी के गुनाह का बोझ नहीं उठाएगा फिर तुम सबको अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाना है तो जिन जिन बातों में तुम इख्तलाफ किया करते थे वो तुमको बताएगा और वही तो है जिसने जमीन में तुमको अपना नायब बनाया और एक के दूसरे पर दर्जे बुलंद किए ताकि जो कुछ उसने तुम्हें बख्शा है उसमें तुम्हारी आजमाइश करें बेशक तुम्हारा परवरदिगार जल्द अजाब देने वाला है और बेशक वो बख्शने वाला मेहरबान भी है